आज भारत भर में करीब 1500 सीएनजी स्टेशन करीब 32 लाख वाहनों को सीएनजी की आपूर्ति का काम कर रहे हैं। इसके अलावा देश में 5000 बायो सीएनजी स्टेशन लगाने की भी योजना है। साथ ही 46,50,000 घरों की रसोइयों में प्राकृतिक गैस से खाना बन रहा है। जैसे हमारे घर में गृहिणी किचन में टैप चालू करते ही पानी आता है, वैसे ही टैप चालू करते ही गैस आ जाए, इसके लिए ये योजना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड PNGRB ने CGD बोली का नौवां चक्र पूर्ण कर लिया है, जिसमें शामिल है 86 भौगोलिक क्षेत्र, 174 जिले। नौवे दौर में प्रतिबद्ध कार्य इस प्रकार है: 4,600 से अधिक CNG स्टेशन लगाना, पाइप गैस के माध्यम से 2,20,00,000 घरों को जोड़ना तथा 1,15,000 इंच किलोमीटर का स्टील पाइपलाइन बिछाना। PNGRB ने CGD बोली का 10वां दौर प्रारंभ किया है। इसमें 50 नए भौगोलिक क्षेत्रों का प्रस्ताव किया गया है। 9वें तथा 10वें CGD बोली दौर में 1,20,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया जाएगा। इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित होंगे। इससे 85 करोड़ भारतीय, 70% आबादी तथा राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में फैले हुए देश के 53% भौगोलिक क्षेत्र को स्वच्छ एवं किफायती ईंधन सुलभ हो सकेगा। नया भारत तेजी से गैस बेस्ड इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहा है। सपने सच हो रहे हैं, प्रयास सफल। 10वें CGD बिडिंग राउंड के साथ नई ऊंचाइयों को छूना है, नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं और नया भारत तैयार है एक नए उज्ज्वल भविष्य के लिए।